हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव प्रभाव राजटेक। आज हम देखेंगे विंडोज सर्वर 2019 में कैसे DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। तो सिस्टम ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको पहला जो काम है, आपको एक स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करना होगा। तो स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करने के लिए मैंने राइट क्लिक कर रहा हूँ स्टार्ट मेनू पे, उसके बाद रन। इसमें टाइप कीजिए ncpa.cpl, ठीक है, ncpa.cpl टाइप करके ओके कीजिए। ओके करने के बाद इधर एक स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर कर दीजिए। तो मैंने ऑलरेडी स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करके रखा मेरा नेटवर्क का 192.168.100.1। और डिफ़ॉल्ट गेटवे सबनेट मास्क, मतलब आपको आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क आपको मैंडेटरी देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आईपी एड्रेस डाल के ओके कर दीजिए दो बार। तो आईपी एड्रेस इधर आप फिर भी चेक कर लीजिए स्टेटस में जाकर, क्योंकि अगर आईपी एड्रेस सर्वर का नहीं रहेगा तो वो काम नहीं होगा। अब जो DHCP सर्वर जिस सिस्टम पे रहेगा, जिस सर्वर पे रहेगा, वो सिस्टम पे आपको स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करना होगा। तो देखिए, मैंने स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया। अभी हम लोग DHCP सर्वर इंस्टॉल करके देखेंगे। DHCP सर्वर इंस्टॉल करने के लिए आपको स्टार्ट में क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद सर्वर मैनेजर में क्लिक करना पड़ेगा। सर्वर देखिए, सर्वर मैनेजर ओपन हो रहा है। तो सर्वर मैनेजर में पहला काम जो है DHCP सर्विस को स्टार्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन हो गया। आपको क्या करना है, अंडर डैशबोर्ड के अंदर देखिए कॉन्फ़िगर दिस सर्वर के नीचे देखिए ऐड रोल एंड फीचर्स, ठीक है। उसके बाद ऐड द सर्विस टू मैनेज, आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड रोल एंड फीचर्स में क्लिक करना पड़ेगा। देखिए, तो पहला ये आप अगर स्किप कर देने से क्या होगा, इस ये जो मैसेज है ये बार बार नहीं आएगा। मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। रोल बेस ऑन फीचर्स, नेक्स्ट। उसके बाद सर्वर कौन सा है, यही सर्वर है, मैंने कंप्यूटर नेम चेंज नहीं किया इसीलिए, और आईपी एड्रेस इधर दिख रहा है। नेक्स्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या सर्विस लेना है, तो हम लोग आज देखेंगे DHCP सर्वर को। तो DHCP सर्विस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ऐड फीचर्स। तो देखिए, DHCP सर्वर ऑन हो गया, चेक ऑन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद देखिए इधर बहुत, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट, तो देखिए उसके बाद इंस्टॉल। तो देखिए अभी इंस्टॉल हो जाएगा DHCP सर्विस। तो देखिए इंस्टॉलेशन हो रहा है, ऊपर में दिखा रहा है इंस्टॉलेशन स्टार्टेड ऑन, सिस्टम का नेम दिखा रहा है। तो देखिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिनिश करेंगे, उसके बाद क्या करना है आपको दिखा दूंगा। तो देखिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, अभी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए इधर एक नया सर्विस आ गया DHCP। देखिए इधर भी DHCP करके एक नया सर्विस ऑन हो गया। तो आपको DHCP में क्लिक करना पड़ेगा। देखिए इस सिस्टम के ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद DHCP मैनेजर, ओके। उसके बाद देखिए सिस्टम शो हो रहा है, आपको क्लिक करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, अभी IPv4 के ऊपर राइट क्लिक करना है, उसके बाद न्यू स्कोप, न्यू स्कोप के बाद नेक्स्ट कीजिए, उसके बाद नेम दीजिए। तो अभी मैं दे देता हूँ DHCP4। तो देखिए मैंने नाम दे दिया DHCP4 LAN। डिस्क्रिप्शन आप अगर चाहो तो दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद स्टार्ट आईपी मैं दे देता हूँ 192.168, सिस्टम का 1 है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, 1, 2 से 9 तक छोड़ देता हूँ। उसके बाद 100.10 ये मेरा फर्स्ट आईपी एड्रेस रहेगा। सेकेंड आईपी 192.168.100.20। तो मेरा जो लैन आईपी के लिए मैंने 10 IP यूज़ कर रहा हूँ, और इधर लेंथ 224, ठीक है, और सबनेट मास्क भी ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आप अगर कोई आईपी एड्रेस जो मैंने रेंज दिया उसके कुछ रिजर्व करना चाहता हूँ तो इधर से रिजर्व होगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट कर देता हूँ। और कितना टाइम तक एक सिस्टम में वो आईपी एड्रेस रहे, इसके लिए ड्यूरेशन तो 8 आवर्स बाय डिफॉल्ट है। अगर आप चाहते हो कोई भी सिस्टम पे
आईपी एड्रेस ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहे, चेंज ना हो, इसके लिए इसलिए आप इधर से जो ड्यूरेशन है वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट इस आई कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर दोज ऑप्शन, नाउ नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट गेटवे, आप इधर डिफ़ॉल्ट गेटवे दे दीजिए। मैं मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे दे देता हूँ, 100.10 मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो इधर से मैं स्कोप को एक बार बैक जाके चेंज कर देता हूँ, इसमें 10 दिया, फर्स्ट आईपी एड्रेस दे देता हूँ 11, 10 मेरा गेटवे है, ठीक है 10 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद पेरेंट डोमेन, अभी कुछ डोमेन नहीं रहेगा, मैंने सिर्फ डीएसपी इंस्टॉल कर रहा हूँ, सर्वर नेम और आईपी एड्रेस कुछ नहीं देना है, इसमें डीएनएस आ गया, 2 डीएनएस। नेक्स्ट विन सर्वर कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट यस आई वांट टू एक्टिवेट दिस स्कोप, नेक्स्ट फिनिश। तो देखिए एक स्कोप रेडी हो गया। अगर आप चाहते हो इधर स्कोप जो है वो चेंज करने के लिए पूल में जाना होगा, और अगर कोई भी सिस्टम इसका लीज लिया तो वो सिस्टम इधर आ जाएगा। तो देखिए ऑलरेडी एक सिस्टम 11 ले लिया, 1.168 100.11, ठीक है। चलिए हम लोग मेरा जो और एक सिस्टम है उसमें जाकर टेस्ट कर लेता हूँ। तो देखिए एक सिस्टम पे आ गया, इधर आकर देखता हूँ इसका आईपी एड्रेस, पहले चेक कर लेता हूँ आईपी कॉन्फ़िग। तो देखिए अभी इसमें आईपी एड्रेस नहीं लिया कुछ भी। तो मैं एक काम करता हूँ, आईपी एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। क्या रिक्वेस्ट? आईपी कॉन्फ़िग स्पेस लैश रीन्यू। रीन्यू करने से क्या होगा, वो डोरा प्रोसेस अभी चलेगा। डोरा प्रोसेस में क्या होगा, जो भी सेम नेटवर्क में डीएससीपी सर्वर रहेगा तो वो सिस्टम पे यही आईपी इनपुट हो जाएगा। तो देखिए 182.168.100.12 डीएससीपी में ले लिया, और आईपी कॉन्फ़िग ऑल कर देता हूँ। तो देखिए मैंने रिन्यू किया, उसमें आईपी एड्रेस 12 ले लिया। तो इसमें क्या करना है, आपको सिंपली आईपी एड्रेस आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल ऑल देने से पूरा डीएनएस सर्वर भी आ जाएगा। तो देखिए 182.168.100.12 डीएनए गेटो सबनेट मास्क डीएनएस सर्वर पूरा का पूरा आ गया, गेटवे सब कुछ आ गया इसमें, ठीक है। और कौन सा सर्वर डीएससीपी सर्विस दे रहा है, देखिए डीएससीपी सर्वर 192.168.100.1। तो अभी मैं जो मेरा सर्वर है उसके साथ कम्युनिकेशन के लिए एक पिंग करके देखता हूँ, पिंग 192.168.100.1। तो देखिए पिंग भी हो रहा है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ सर्वर पे जाकर। तो देखिए सर्वर पे आ गया, अभी इसमें आप देख सकते हो कौन सा सिस्टम क्या आईपी लिया, कहाँ से देखना है एड्रेस लीज इसमें देखना है। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, दो सिस्टम आ गया, एक है सिस्टम एडमिन मेरा लैंड नेटवर्क में, और एक है एडमिन पीसी जब विंडोज 7 का है। तो देखिए दो सिस्टम दो आईपी ले लिया है। तो सो फ्रेंड्स आज हमने देखा विंडोज सर्वर 2019 में कैसे डीएसपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करना है। अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।